हेलो गाइस, पिछले कुछ टाइम से वेब 3.0 लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कोई इसे मेटावर्स बोल रहा है तो कोई इसे क्रिप्टो करेंसी से जोड़कर देख रहा है। लेकिन हकीकत में वेब 3.0 है क्या? वेब 3.0 को समझने से पहले आपको वेब 1.0 और वेब 2.0 को समझना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेब 1.0 की। 1990 में वेब 1.0 की शुरुआत हुई, जब वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि WWW की शुरुआत हुई। तब का इंटरनेट आज के इंटरनेट से काफी अलग था, क्योंकि इस टाइम में आप केवल टेक्स्ट फॉर्म में ही इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते थे और इस दौरान आप फोटो वीडियो नहीं देख पाते थे। इसके बाद आया वेब 2.0। इसकी शुरुआत 2005 से हुई। इस टाइम में आप इंटरनेट पर फोटो वीडियो देख सकते थे और डाउनलोड भी कर सकते थे। इसके साथ ही आप इंटरनेट पर आप खुद भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते थे। लेकिन इस टाइम में सारा का सारा कंट्रोल कंपनी के पास होता था और जो यूजर्स होते थे उनका भी डाटा कंपनी के ही पास होता था और कंपनी डिसाइड करती थी कि जो इंफॉर्मेशन आपने अपडेट की है वो उसे रखना है कि नहीं, और अगर वह इसे हटा दे तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं वेब 3.0 की। वेब 3.0 को कॉन्सेप्ट इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना है। ये ब्लॉकचेन पर आधारित है, इसलिए इसे क्रिप्टोकरेंसी से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी भी ब्लॉकचेन पर ही आधारित है। वेब 3.0 के आने के बाद आपके पास ज्यादा पावर होगी, ना कि कंपनी के पास है। आप जो भी कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं पहले उसका राइट कंपनी के पास होता था और कंपनी डिसाइड करती थी कि आपके कंटेंट को कैसे यूज करना है और उसे रखना है कि नहीं। लेकिन वेब 3.0 में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, उसका जो फोल्डर होगा वो सभी कंप्यूटर में ब्लॉकचेन के माध्यम से है और सभी कंप्यूटर में चल रहा होगा और उसका जो भी डाटा है सभी में एक फोल्डर के रूप में होगा। अगर कोई भी आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है तो वह इसको हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह ब्लॉकचेन से कनेक्ट रहेगा जो कि आपके अकाउंट को डिसेंट्रलाइज करेगा। इस कारण कोई भी एक कंपनी इसका ओनर नहीं होगी और आप ही आपके कंटेंट के ओनर होंगे और यह आप ही तय करेंगे कि आपके डाटा को कैसे यूज करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।